थाने में एक ज्वेलर्स दुकानदार ने पुलिस पर दबंगई का आरोप लगाया है। दुकान मालिक पंकज जैन ने बताया कि थाने शहर में ब्रह्मांड इलाके में उनकी प्रगति ज्वेलर्स की दुकान है, मगर शनिवार को 4 से 5 पुलिस वाले एक आरोपी के साथ सादे कपड़ों में उनके दुकान में आते हैं और दुकान में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की कि क्या इस आरोपी को जानते हो, इसने यहाँ सोना बेचा है, मगर कर्मचारी बताया कि नहीं जानते हैं, इसने यहाँ नहीं बेचा है और कहा कि सेठ से जानकारी ले लो, मगर तभी इन लोगों ने कर्मचारी से गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी और उसे पुलिस वैन में ले जाकर बिठा दिया। तभी दुकान मालिक पंकज भी पहुंच गए। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने चेक भी किया, मगर जब कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगा तो कर्मचारी को छोड़कर चले गए। हालांकि कर्मचारी से गाली गलौज और मारपीट की वजह से कर्मचारी तनाव में आ गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरह की बात सामने आने के बाद घोड़ बंदर रोड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ऐतराज जताते हुए पुलिस के आला अधिकारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेटर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए पंकज जैन ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार मांगीलाल जैन, प्रगति जगह से प्रमाण में मेरा ज्वेलरी शॉप है। सर, शनिवार को आपके दुकान में घटना हुई थी, क्या ये घटना हुई? घटना में ऐसा था कि मैं जब सुबह दुकान पे आ रहा था, उसके पहले यहाँ का कोई 4-5 लोग आ गए थे। कौन था वो लड़का, मेरे स्टाफ को पता नहीं था, बोला पुलिस वाले ऐसा करके उसको बोला, लड़के ने मेरे को फोन किया, ये पुलिस वाले, ये ठीक है मैं 2 मिनट आ रहा हूँ। तो मैं आने के पहले मेरे स्टाफ, एक स्टाफ ने फोन कर दिया था, उसके बाद दूसरा कोई स्टाफ आया, मेरे दूसरा स्टाफ राधेश्याम करके जो है वो स्टाफ दुकान पे आया, तो उसको बातचीत कर रहे थे, उसको गाली गलौज चालू किया। उसने बोला साहब माँ का गाली मत दो, सेठ आ रहे, जो सर आ रहे, जो भी आपको चाहिए बात करना उनसे करो। तो उसे तो ये लिया लिया, मैंने इसको देखा नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, ये आदमी मेरा परिचित नहीं है। तो उसने ऐसा जवाब दिया तो वो उनको बहुत दिल पे लग गया, क्या मैं बहुत बुरा लगा, ईगो हो हट हो गया उनका, ऐसा लगा। तो वो ईगो हट के हिसाब से उसको पकड़ के बेरहमी से काउंटर के घसीट के मारते मारते दुकान के बाहर लेके गए और बाहर गाड़ी के अंदर उसको बिठा दिया। और उसके बाद गाड़ी के बिठाने के बाद उसको फोन करके पुलिस वैन मंगाया, पुलिस वैन मंगा के उसको जब तक वो दोपहर में 2 बजे तक मैंने जब कुटे नहीं देखा, मैं उसका जो इसने वादा में जिससे जो उनको जिस आदमी को लेके आए थे लड़के को, मैं उससे तुम्हारे साथ व्यवहार किया, उसका वो तारीख का जब तक पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक वो लड़के को उनको पुलिस की गाड़ी में बिठा के रखा और मेरे दुकान के बाहर व्यापारियों के सामने ये बहुत इंसल्ट जैसा हुआ। सर, अभी जिस अभी उसकी हालत ऐसी है, उस टाइम बहुत नाजुक थी, तो उसके बहुत एकदम सनसनी चक्कर जैसा था। उसके बाद शाम को हम सब एसोसिएशन का मीटिंग करके सब जमा होके हम पुलिस स्टेशन गए थे, तो ये उधर से बताया गया भाई पुलिस का काम है, पुलिस एक्टिव से काम नहीं करेगी, पुलिस को कौन रखेंगे, क्या बोलिए, पुलिस का डर किसको रहेगा, ऐसा डर नहीं रहता है, पुलिस के करना ही पड़ता है। तो हमारे एसोसिएशन के थ्रू से डीजी कंट्रोल से वहाँ के लोकल अधिकारी से बात करवाया, उसके बाद हमारा उस पुलिस स्टेशन ने थोड़ा दखल देके हमको मेडिकल रिपोर्ट MSC जो मिलता नहीं था, वो तो DGP ऑफिस के दखल होने, कंट्रोल के दखल होने के बाद हमको मेडिकल रिपोर्ट दिया। उसके बाद उस दिखाने गए तो सिविल के मेडिकल ऑफिसर लगा भाई इसको थोड़ा एडमिट करो, तो उसी दिन से एडमिट है शनिवार शाम से। पुलिस से आपकी बातचीत हुई क्या, पुलिस अधिकारी आपसे मिलने के लिए? मेरे को इस तरह के कोई पुलिस अधिकारी से कोई कॉल आया नहीं है,